तो सभी प्रिय मित्रों को एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी टू होम परिवार में। साथियों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है यहाँ पर NCL के अंदर जो भर्ती अभी आई थी हाल फिलहाल में, इसकी जो लास्ट डेट है वो समाप्त हुई है 31 अगस्त को, और यहाँ पर आज 12 सितंबर जो हुई है तो यहाँ पर NCL की ओर से एक नया नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि नॉर्दर्न कोयलफील्ड लिमिटेड में जो NCL हेम ऑपरेटर ट्रेनी की जो पदाए थे, इनमें जो आपकी फीस थी वो 1000 रुपये प्लस 180, यानी कि टोटल 1180 रुपये यहाँ पर फीस थी। लेकिन वो चाहे किसी भी कारणवश हो, चाहे वो टेक्निकल एरर हो, चाहे कोई और कारण हो, वहाँ पर कुछ लड़कों द्वारा ये फीस 1000 रुपये यहाँ पर भरी गई। तो आप सभी को ये ध्यान देना है कि जो NCL है डिपार्टमेंट ने ऐसे लड़कों के लिए एक अलग से सूची जारी करी है, और ये सूची में इन्होंने क्या लिखा है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर तो नाम दिया है कि भी रोज़गार अधिसूचना 538/7/2023 के संदर्भ में HMM ऑपरेटर प्रशिक्षु के निम्नलिखित पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस संबंध में ये अवगत किया जाता है कि कुछ आवेदकों के द्वारा आवेदकों के आवेदन के साथ आवेदन शुल्क कम जमा हुआ। ये ऐसी कंडीशंस यार मैंने पहली बार देखी जीवन में। ये डिपार्टमेंट ही पता नहीं यार ऐसे कैसे क्या कर देता है। 1000 रुपये शो क्यों हुई, वहाँ पर क्या रीज़न था, तो ये इनकी गलती है। इस संबंध में अवगत किया जाता है कि संदर्भित रोजगार अधिसूचना के खंड 5 के अनुसार जनरल के और OBC के, नॉन क्रिमिलियर के और EWS के कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये के साथ लागू GST ₹180 कुल ₹1180 जो है निर्धारित किया गया था। ऑनलाइन मोड के माध्यम से शेष राशि जमा करने के लिए NCL वेबसाइट पर एक लिंक होस्ट किया जाएगा जो कि 14/9/2023 से 30/9/2023 तक उपलब्ध है, यह रहेगा। जिन आवेदकों का विवरण अनुलग्न, यानी जो संलग्न किया गया कागज है, एम दिया गया है, उनको ये सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर NCL वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन मोड के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क की शेष राशि जमा करा दें। अब यहाँ पर NCL की ओर से ऐसा कुछ तो नहीं लिखा गया है कि भी नहीं करवाने पर आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। फिर भी यहाँ पर इनका ये कहना है कि आप इस फॉर्म को है प्राथमिकता से जो डेट दी गई है, इस फॉर्म की जो फीस है, बकाया फीस है, वो आप यहाँ पर सबमिट कर दें। तो आप सभी अगर इस फॉर्म को भर चुके हैं और आपकी भी अगर फीस 1000 रुपये जमा हुई है, तो साथियों आप अपनी फीस है बकाया फीस आप तुरंत उसका भुगतान कर दें, वरना आपको पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 338 पदों पर जो भर्ती HEMM ऑपरेटर के पदों पर यहाँ पर देखने को मिली थी, तो काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती है, कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। तो इस भर्ती को हाथ से मत निकलने देना, बिल्कुल ये बहुत ही शानदार मौका आपके पास में है। आप इसकी लगातार तैयारी करते रहें, और इसकी जो तैयारी है इसके लिए हम रोज़ शाम को 8:30 बजे यहाँ पर लाइव सेशन हमारा यहाँ पर रहता है, तो आप उससे को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो डेमो क्लासेज है हमारी, उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन कोर्स है, बुक PDF है, पिछली भर्तियों के पेपर है, या स्पेशल नोट्स आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो काम है आपको फीस वाला, जो बकाया फीस है, आपको फिर से NCL की वेबसाइट पर जाके भर देना है। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाना चाहूँगा जो लिस्ट NCL ने जारी करी है। मैंने आपके सामने जो एक पेज रखा है ये है आपकी बकाया फीस वालों की लिस्ट का नाम, डिटेल्स ऑफ शॉर्ट डिपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस बाय द एप्लीकेंट्स, यानी एप्लीकेंट्स द्वारा जो भरी जाएगी फीस उनकी सूची यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भी अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस डिपोजिटेड इन RS जो भर चुका है, और यहाँ पर लिख रखा है कि यहाँ पर बैलेंस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फीस टू बी डिपोजिटेड बाय द एप्लीकेंट्स, यानी कि अप्लाई करने वाले व्यक्ति के द्वारा जो भरी जाने वाली फीस है या वो जो भरेगा, वो यहाँ पर लिखी गई है 180 रुपये के हिसाब से यहाँ पर लिखी गई है। तो टोटल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है हर पेज में 44-45 जो लड़के यहाँ पर है इनका नाम इस लिस्ट में आया है। और लास्ट में फाइनली मैं देखता हूँ तो यहाँ पर लगभग 507 लड़के ऐसे हैं
जिनका नाम इस सूची में आया है, तो आप सभी इस फॉर्म को आप दोबारा से रीओपन करके आप इसमें जो है 180 रुपये दोबारा से पे कर दें। और 180 रुपये पे कैसे कर दें इसके लिए हम जल्दी आपको यहाँ पर एक वीडियो सेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप NCL का एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और दोस्तों आप स्पेशल जो हमारा ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का व्हाट्सएप का जो है लिंक यहां पर दिया गया है, तो आप उसके माध्यम से भी हमें लगातार फॉलो कर सकते हैं, हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो साथियों उम्मीद है कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं। और तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।